मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि अपनाया गया विजन दस्तावेज द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि श्री जगदीप धनखड़ ने आज राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की। वहीं राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू और पहली महिला साजिदा मोहम्मद का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, आज राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और पहली महिला साजिदा मोहम्मद का स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। भारत और मालदीव भूगोल से ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया है और जरूरत के समय एक दूसरे का साथ दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और पहली महिला साजिदा मोहम्मद का स्वागत किया गया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि भारत और मालदीव भूगोल से ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूल्यों से भी जुड़े हुए हैं। यह कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। उन्होंने कहा है कि हमने एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाया है और एक दूसरे के समय में एक दूसरे का साथ भी दिया है। आपको बता दें, पहली महिला साजिदा मोहम्मद का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आज राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू और पहली महिला साजिदा मोहम्मद का स्वागत किया गया है। आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समय मौजूद हैं।